कोलकाता हुगली नदी के किनारे आबाद है। जॉब चार्नक ने 1690 में तीन गांव को मिलाकर एक शहर आबाद किया जो बाद में कैलकटा कहलाया। साल 2001 में इसे कोलकाता नाम दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी हासिल करने के बाद कोलकाता को खूब सजाया सवारा और अपना मरकज बनाया, लेकिन 1857 के बाद कंपनी ने दिल्ली के बजाय कलकत्ता को देश की राजधानी घोषित कर दिया और 1911 तक कलकत्ता ही राजधानी रही। कैलकटा शहर के वजूद में आने से सदियों पहले यहाँ बड़े सूफियों का सिलसिला मिलता है। सनाउल्ला गाजी, जो सोनागाछी के नाम से मशहूर हैं, सैयद शाह बाबा और सैयद मौला अली शाह जैसी दरगाहें यहाँ आज भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़ा मुकाम रखती हैं। तो मुसलमानों के लिए ये नाखुदा मस्जिद सबसे बड़ा मरकज है। टीपू सुल्तान मस्जिद शहर की शान है। कलकत्ता के लिए मिर्जा असदुल्ला खां गालिब लिखते हैं, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। इंडिया टीवी के शो मोदी और मुसलमान का काफिला पहुंचा है उस पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़ी नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लोहा लेते जो कुछ नेता नजर आते हैं उनमें ममता बनर्जी सबसे आगे हैं। 2014 में जब देश में मोदी की लहर थी तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में ममता की सीटें अचानक से कम हो गई, वो 34 से 22 पर आ गई। दूसरी तरफ बीजेपी 2 सीटों से 18 सीटों पर पहुंच गई। इसीलिए 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है। बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि कम से कम 2019 जितनी सीटें जरूर हासिल की जाएं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वेस्ट बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं की। पश्चिम बंगाल में मुसलमान पहले लिफ्ट के साथ थे तो 3.5 दशकों तक लिफ्ट ने राज किया। अब वो पिछले 13 साल से लगातार ममता को सत्ता सौंप रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 में से 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का खासा प्रभाव है, जबकि राज्य की 294 सीटों में से 100 सीटों पर मुसलमान जीत या हार तय करते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोलने के लिए हम पहुंचे उत्तर कोलकाता की लोकसभा सीट पर, जहां से टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय सांसद हैं और एक बार फिर से टीएमसी के कैंडिडेट भी हैं, जबकि बीजेपी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए तापस रॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम इस वक्त नॉर्थ कोलकाता के मौला अली इलाके में हैं और ये जो दरगाह आप देख रहे हैं ये मौला अली शाह के नाम से काफी मशहूर दरगाह है कोलकाता में। हालांकि जो बड़े सूफी हैं उनका नाम असली है हैदर अली, सूफी सिलसिले के बड़े फकीर हैं जो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और यहाँ इस दरगाह का बड़ा ऊंचा मकाम है और हिंदू मुस्लिम दोनों तरह की आबादी के लोगों के बीच ये दरगाह एक बड़ा मकाम रखती है। जो आपके सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, उन्होंने कुछ काम हम करवाए हैं, यहाँ काम भी अच्छा किया, अच्छे कैंडिडेटेड हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, यहाँ सबको देखते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ हम लोगों उनके तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम है। हर मुस्लिम गैर मुस्लिम यहाँ जात्री को भी कोई तकलीफ नहीं होता। फिर नाम बताइए। मोहम्मद इम्तियाज आलम। इम्तियाज भाई ये बताइए कि आप कैसे फैसला कैसे होता है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, सूबे में दीदी की हुकूमत है, अब जब सेंटर की सरकार चुननी है तो इम्तियाज साहब कैसे फैसला करते हैं? तो हम लोग दीदी को चुनेंगे यहाँ दीदी। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री हम लोग चाहेंगे तो ये क्या बनेंगे, क्या नाम उसका, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का सांसद क्यों नहीं चुनेंगे? कहाँ पे? यहाँ पे टीएमसी ठीक है। मोदी जी यहाँ तो आए हैं तो बस हिंदू मुसलमान करके हिंदू लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और मुसलमान लोगों को कम देख रहे हैं। वो पॉलिटिक्स दूसरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो हम। ये जो है ना आपका यहाँ तो टीएमसी ठीक है। अच्छा। हाँ तो यहाँ के लिए बनर्जी को पीएम बनाना है? नहीं, दीदी पीएम बनेगी? अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी गुंजाइश। दीदी कैसा कर रही काम आपके लिए अभी? अच्छा है। अच्छा है। किसी के नजर में खराब है, किसी के नजर में आपकी अच्छा। नजर की बात हो रही है? मेरे नजर में अभी तक जो फिलहाल वो ठीक है। अच्छा। और राहुल गांधी कैसा काम कर रहे हैं? वो भी ठीक है। कोलकाता उत्तर तारीखी जगहों से भी भरपूर है।
यहाँ की जकरिया स्ट्रीट पर खिलाफत कमेटी का दफ्तर है और ये कमेटी आज भी सक्रिय है, जो मुसलमानों के बीच काफी काम कर रही है। हम इस वक्त कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट के खिलाफत कमेटी के दफ्तर में हैं। ये दफ्तर कई मानों में बहुत खास है। ये जो कुर्सी आप इस वक्त शीशे में कैद देख रहे हैं, इस कुर्सी पर गांधी आकर बैठते रहे, यहाँ नेहरू बैठते रहे इस कुर्सी पर, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस और वो तमाम शख्सियतें जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, वो तमाम लोग इस दफ्तर में आते रहे। 1919 में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई और 1923 आते आते खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म होने लगा, लेकिन उसकी वजह से जो एक जुनून लोगों में पैदा हुआ, वो जुनून बाद के वक्त में देश को आजाद करवाने के काम आया, जिसके लिए गांधी ने यहां तक कहा कि मूवमेंट का जो हश्र हुआ उसके बावजूद वो कहते हैं कि मुझे अगर पहले से इल्म होता तो मैं इस मूवमेंट का हिस्सा जरूर बनता, क्योंकि ये तहरीक बहुत खास थी और उसी तहरीक ने आगे फिर जंगे आजादी में बहुत अहम रोल निभाया। कुछ लोग हैं जो इस कमेटी से आज के वक्त में जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि उस वक्त में इतना अहम किरदार निभाने वाली खिलाफत कमेटी कोलकाता की आज के वक्त की सियासत में और आज के वक्त सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, तो आज की सियासत में क्या कोई दखल है, कहीं से कुछ आप लोगों के बीच जाते हैं, कभी कुछ बातें होती हैं कि भाई फला पार्टी को वोट करना है, फला से दूर रहना है, ऐसी कुछ बातें भी होती हैं? नहीं, एज ए ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग किसी से कुछ बात नहीं करते हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल जो है इनफरादी तौर से हम लोग अपने अपने तौर से किसी को भी आके कोई भी पार्टी करे, कोई भी सियासी पार्टी करे, हम लोगों को इख्तलाफ नहीं है और अपने अपने तौर से जो जो पार्टी करता है उसके बारे में हम लोग जो अपील करते हैं लोगों को। मौजूदा जो सूबे की हुकूमत है उससे आप लोगों को कैसा साथ मिल रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सपोर्ट तो मिल रहा है, ममता बनर्जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही है कम्युनिटी की तरफ से, और कोशिश जारी रहती है कि भाई हम लोग भी वसूल कर सकें, तो हम लोग में भी वो कुव्वत और सलाहियत होना चाहिए कि हाँ भाई किसी से कुछ चाहे तो वो मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मामला ठीक ही चल रहा है और इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है कि आगे भी ठीक चलेगा। आपके एतबार से? एतबार से यही है कि खिलाफत कमेटी जो है हमेशा कौम और मिल्लत के जब मामलात होते हैं तो हुकूमत से आंख मिला के बात करती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मेरी मौजूदगी में कि जब 92 में फसादात हुए थे बंगाल के इर्द गिर्द साइड में, तो खिलाफत कमेटी का वफद खुद ज्योति बासु साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, खिलाफत कमेटी ने वहां अपना प्रेजेंटेशन दिया और अपने डिमांड को रखा, जिसको हुकूमत ने माना और मानने के बाद इस मामलात को आगे जो है पूरी तरह देख रेख किया। तो खिलाफत की मुजफ्फरनगर जी बेशक खिलाफत तो पूरे हिंदुस्तान में जब फसादात होते थे तो उसमें काम किया करती थी। भागलपुर अगर आप जाएंगे तो भागलपुर में भी खिलाफत के बनाए हुए कुछ जगह हैं जो खिलाफत ने उस जगहों को बना के दिया, फिर मुजफ्फरनगर में दिया। कोलकाता उत्तर पूरी तरह से टीएमसी के प्रभाव वाली सीट है, यहाँ करीब 21% मुस्लिम आबादी है। कोलकाता उत्तर की सभी 7 विधानसभाओं पर टीएमसी का ही कब्जा है। उत्तर कोलकाता के मुस्लिम मोहल्लों में घूमने पर एक बात तो साफ दिखाई दी कि लोग अपने सांसद के काम से खुश हैं। बहुत जल्द आपको सांसद अपना चुनना है, तो बंदोपाध्याय साहब ने कैसा काम किया? वो तो समझिए कि बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, और अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जितना अपने फंड को यूज करते हैं कोई भी MP अब तक नहीं किया। अच्छा जी, जब इस दफा इलेक्शन में जाएंगे आप जब वोट करने के लिए तो फिर तो वो तो आंख बंद करके उनको ही देना। अच्छा। उनका काम भी दिख रहा है, ईद के मौके पे आ जाते हैं जकरिया स्ट्रीट, बकरीद के मौके पे आ जाते हैं, कोई काउंसिलर प्रोग्राम करता है तो उस टाइम अवेलेबल वो रहते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं ऐसे लोग के बीच। बोलवाला आप ये कह रहे हैं टीएमसी का बोलवाला अवेलेबल है? प्रधानमंत्री देखिए अगर देश के लिए सबसे अच्छा कुछ है तो जब जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी रहा स्लो एंड स्टेडी हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के तौर पे हिंदुस्तान आगे बढ़ा। बहुत जल्दी आपको चुनना है अपना सांसद, कुछ फैसला हो सका? वो तो अनडाउटेडली सुधीर बंदोपाध्याय ही है। अच्छा। क्योंकि उनका नेचर सेक्युलर है। मैंने दूसरे स्टेट्स में भी बहुत सारे लोगों से बात की, बिहार यूपी, तो एक मिजाज लोगों का ये समझ में आया कि स्टेट के इलेक्शन के टाइम दूसरे तरीके से वोटिंग होगी और सेंटर के इलेक्शन के टाइम दूसरे, लेकिन यहाँ पर अभी टीएमसी का ही जोर है लोकसभा चुनाव में। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे तो हम लोगों को तो अपना स्टेट को पहले देखना है। अच्छा। ऑल ओवर इंडिया भी हम देखेंगे। हाँ। मगर स्टेट में अगर हम दीदी को अगर मजबूत नहीं करेंगे। हाँ। तो अगर घर ही कमजोर हो गया तो फिर हम बाहर वालों को कैसे मदद करेंगे। अच्छा।
पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी पर तो भरोसा जताते हैं, लेकिन वो इस बात से भी खफा दिखे कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्यों नहीं लड़ी। उन्हें लगता है कि ममता अगर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ती तो ज्यादा बेहतर नतीजे होते। ममता बनर्जी ने जो पॉलिसी अपनाया है उसमें मुसलमानों को कसमकस में डाल दिया है। अच्छा। क्योंकि इनको अलायंस जो कांग्रेस इन्होंने नहीं किया है तो मुसलमानों की चाहत भी है कांग्रेस की तरफ, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि किसको वोट कैसे दे, किसको कहां से कैसे जिता। तो ममता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम लोग बहुत सेफ हैं वेस्ट बंगाल में, आज उनको ही हम वोट करेंगे। लेकिन उनको चाहिए ये था कि वो कांग्रेस से टाई अप करती और मुसलमानों को एकजुट करती और उनके ताकत का पूरा इस्तेमाल करती, लेकिन उन्होंने उसको बिखेर दिया ताकि मुसलमानों के अपना खुद का बिखरेगा। हाँ, जरूर बिखरेगा। कि कांग्रेस देखिए सेंट्रल में तो कांग्रेस है, ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, तो बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए तो प्रोजेक्ट नहीं कर रही है कि हम उनको वोट दें। आपकी लीडरशिप जिस चीज के लिए प्रोजेक्ट हो आदमी उसको ही कास्ट करता है ना। वो वैसे उत्तर कोलकाता सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। 2014 में जहाँ कांग्रेस को इस सीट पर 13.8% वोट मिले थे, वो 2019 आते आते सिर्फ 2.8% ही रह गया। ऐसे में यहाँ कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुसलमानों तक मोदी के खिलाफ वो बातें खूब पहुँच रही हैं जिन्हें राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों कहते आए हैं। हम इस वक्त जकरिया स्ट्रीट में ठीक नाखुदा मस्जिद के सामने खड़े हैं। ये जगह कई मायनों में बड़ी खास है, लेकिन 1905 की एक कहानी आपको बताना बहुत जरूरी है। जब टैगोर खुद यहां चलकर आए, बंगाल का बंटवारा किया जा रहा था और मुसलमान उसके खिलाफ थे, और टैगोर ने भी इस बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और ठीक इसी जगह पर टैगोर पहुंचे और मुसलमानों से खिताब किया और हिंदुओं से अपील की कि मुसलमानों की कलाई पर राखी बांधो और मुसलमानों के साथ यकजहती का पैगाम दो। हालांकि इसके बाद वो बंटवारा हुआ और बाद में फिर विड्रॉ भी हुआ अंग्रेजी हुकूमत के जरिए, लेकिन ये वाकया ये बताता है कि कैसे यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक साथ मिल करके अपनी जिंदगी यहाँ बसर करता रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, आज के हालात में जकरिया स्ट्रीट में किस तरह का कामकाज हुआ है जरा यहाँ के लोगों से समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? आफाक अहमद। आफाक साहब क्या करते हैं? बिजनेस है।